<clears throat> <clears throat> <clears throat> <clears throat> so, hello everyone. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू आवाज़ आ रही है मेरी <coughs> क्या अखियन प्रभु दर्शन अरे तो तुम सात बजे मिल लिया करो यार इतना क्या है तो क्लास सात बजे भी होती है मेरी डेली खैर कैसे हैं आप सब लोग हेलो एवरीवन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू क्या चर्चा क्या चल रही थी हमारी चट्टानों वाली चल रही, चल रही। चर्टानों वाली चट्टानों वाली चर्चा चल रही थी गुड इवनिंग तो ऐसे लर्नर्स जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं एन की सीरीज ये चल रही है और इस एन की सबसे अलग खास बात ये है कि हम यहाँ पर एक टॉपिक सारी एनसीआरटी को कवर कर रहे हैं मतलब एक टॉपिक लो सारी एनसीआरटी से पढ़ लो एक ही बार में तो बार बार टाइम वेस्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं बल तो एक तरीका ये भी हो सकता है एन पढ़ने का चलो सो so, खैर यहाँ तक तो जो है आपको सबको समझ आ ही रही है बात मेरी हाँ अन एकेडमी पर मैं आपकी क्लास मुझे मिलती ना अरे तो ऐसे ढूंढना थोड़ी पड़ता है आप ही ऊपर टेलीग्राम चैनल दिख रहा है ज्वाइन करो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी जी हाँ चलो खैर ठीक है तो आ, अभी हम लोग क्विकली बात कर लेते हैं पिछले सेशन में मैंने इसके जस्ट पहले वाले यदि आपने क्लास देखी होगी तो मैंने आपको समझाया था कि भाई जो रॉक्स होता है जो चट्टाने होती हैं उनको पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़ें टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़ें जी हाँ मतलब अननेसरी परेशान ना हो कि क्या पढ़ना है रॉक्स में सीधा टाइप्स पे आ जाएं टाइप्स ऑफ पढ़ने से आपको तीन प्रकार के मैंने रॉक्स पढ़ाए थे मतलब डिस्कस हमने शुरू किया था जिसमें इग्नियस जिसको हम लोग आग्नेय चट्टान कहते हैं और एक होता है सेडिमेंट्री रॉक सेडिमेंट्री रॉक अवसादी चट्टान ठीक है और आज हम तीसरा जो पढ़ने वाले हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक कायांतरित रूपांतरित चट्टान पिछली वाले जो क्लास को आप देखोगे तो पिछले वाले सेशन में जस्ट इसके पहले वाली जो क्लास थी हमारी उसमें

प्रादेशिक रूपांतरण क्या होता है सारी बातें पढ़ेंगे आज अपन ठीक है फिर हम डिस्कस करेंगे कि भाई इसमें जो है फॉलिशन क्या होता है बेंडिंग क्या होता है सारी चीजें पढ़ेंगे सो देखते हैं कैसी कहानी है आज तो समझ में आ गई बात हम लोग मतलब आप एन जब ओपन करेंगे ना तो मैं बताता हूँ कि ये जैसे इग्नियस रॉक है तो ये पैराग्राफ हमारा हो चुका है मतलब इसके जस्ट पहले वाली क्लास में सेडिमेंट्री वाला भी मैंने आपको इसमें करा दिया ठीक है तो अब इसमें आगे अनने से रिपीट करने का कोई फायदा नहीं बाय द वे पंद्रह अगस्त के उपलक्ष्य में फ्रीडम फेस्टिवल गेट अप टू फिफ्टी परसेंट ऑफ अन अकेडमी के सारे सब्सक्रिप्शन में आप पचास परसेंट तक डिस्काउंट ले सकते हैं यूपीएससी की तैयारी घर बैठे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से कर सकते हैं कोड सबको पता है एस जी वाई टी वन जीरो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको लिंक और वहां से आपको लिए बेस्ट बेनिफिट है ये जहां पर आप फिफ्टी परसेंट तक डिस्काउंट ले पाएंगे आप लोग आराम से उसमें लिंक दो दे दिए मैंने आप विदाउट ऑप्शनल और ऑप्शनल के साथ भी जा सकते हैं नए बैच 9 अगस्त से प्रारंभ हो रहे हैं कोड यहाँ पर आपको पता है एस जी वाई टी वन जीरो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं तो इग्नियस सेडिमेंट्री रॉक कवर होने के बाद में प्लीज़ जरा ध्यान से सुनना आज हमारी जो कहानी है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये टेबल आपको काम आएगा जो कि अभी समझ नहीं आएगा थोड़ी देर से आएगा बट अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि जब भी आप हेडिंग देखेंगे तो एक आपको तीसरी हेडिंग दिखाई देगी मेटामॉर्फिक रॉक ठीक है या हिंदी में जिसे हम लोग कहेंगे हिंदी में कायांतरित चट्टान कहेंगे लेकिन अब मेरी बात पहले समझना ये तो थ्योरी हम आखिरी में पढ़ लेंगे पहले समझते हैं कि ये रॉक क्या है कैसे बनता है ओके डन शुरू करें भैया आ गए सब लोग तो देखो सबसे पहले क्या हुआ सबसे पहले सर ज्वालामुखी वॉलकेनो निकला सबसे पहले तो क्या हुआ हमारे अर्थ पे पॉल्केनोज निकले ज्वालामुखी निकला ज्वालामुखी से क्या निकला सर सबसे पहले लावा निकला अब लावा पृथ्वी के अंदर भी था तो उसको हमने क्या बोला मैग्मा इन दोनों की कूलिंग होती है ठीक है इन दोनों की कूलिंग होती है ठंडे होते हैं ठंडे होने पे क्या होता है सर सॉलिड होता है ये सॉलिड होने पे क्या बनेगा सर रॉक बनेगा उस रॉक को क्या बोला मैंने आपको इग्नियस रॉक बोला अब इसी इग्नियस रॉक पे या कोई भी अदर रॉक पे जब बाहर का एक्सटर्नल फोर्स मतलब एक तरह से सनलाइट का पैटर्न कह सकते हो ठीक है विंड कह सकते हो रेनफॉल कह सकते हो मतलब एक एक्सोजेनिक फोर्स एक्सोजेनिक फोर्स एक्सोजेनिक फोर्स मतलब बाह्य जनित या कह सकते हो कि बहिर्जात बहिर्जात बल ठीक है जब लगेगा फिर से देखो ज्वालामुखी निकला लावा मैग्मा ठंडा होता है कठोर अवस्था होती है चट्टान बनता है उस चट्टान को हम आग्नेय चट्टान इग्नियस रॉक कहते हैं उस पर सूर्य आएगा हमने देखा वेदरिंग और इरोजन वाली कहानी पिछली क्लास में अपक्षय अपर्दन की कहानी जी हाँ इसके बाद एक नया रॉक बनता है और वो रॉक क्या कहलाता है सेडिमेंट्री रॉक सेडिमेंट्री रॉक सेडिमेंट्री अवसादी चट्टान अब ये अवसादी चट्टान क्या जो टूटे हुए फ्रेगमेंट होते हैं इरोडेड वो कॉम्पैक्ट हो जाते हैं उसको हमने क्या बोला था लिथिफिकेशन बोला था कौन सा शब्द यूज करा था शिली भवन बोला था ये सब पिछली क्लास की कहानी है अब मेरी बात जरा ध्यान से सबको सुनना है ठीक है ये सब अब आप कोई भी रॉक ले लीजिए एक रॉक तो यहाँ बन गया इग्नियस दूसरा सेडिमेंट्री बन गया सर अब आता है एक नया कॉन्सेप्ट कि आप कैसे भी बन गए हो, ठीक है सुनना मेरी बात आप जो हैं भले ही लावा से बन गए हो या लावा के टूटने मतलब बाद में इग्नियस रॉक टूट के बन गया कुछ भी हो एक फिलोसॉफी ये कहती है रॉक की कि देखो भाई ऐसा है इस पृथ्वी पे जो व्यक्ति आया है उसे थोड़ा दबाव तो झेलना पड़ेगा और वो दबाव आपके ऊपर होता है कि उसको आप थोड़ा मानते हो कि अत्यधिक मानते हो रॉक्स हमें यही सिखाते हैं जी हाँ कि आप कहीं भी बने हो अर्थक्रस्ट पे जब यदि आपका फॉर्मेशन हो गया है तो ध्यान रखना तैयार हो जाइए अर्थ के उस दबाव के लिए तो उन चट्टानों पे उन रॉक्स पे कोई भी एग्जिस्टिंग रॉक हो सकता है उस पर जब अर्थ का प्रेशर लगता है जहां अर्थ का या आप कह सकते हो कि टेम्परेचर लगेगा उसके कारण एक रॉक का एक नया रूप आपको देखने को मिलेगा इट मीन्स दैट बहुत सिंपल बात समझा रहा हूं कोई भी रॉक ले लीजिए आप उस उसपे पृथ्वी का दबाव भी लग सकता है उस पर पृथ्वी का टेम्परेचर भी एक्स्ट्रा लग सकता है तो सर लग तो रहा है कैसे लगेगा उदाहरण देख लो जैसे मान लेते हैं हम लोग सपोज कि यहां पर एक कोई रॉक है ठीक है ये पेड़ लगा देता हूं मैं यहां पे कोई भी रॉक होगा लेट से सपोज सेडिमेंट्री हो सकता है इग्नियस हो सकता है अवसादी हो सकता है या आग्नेय हो सकता है अब मान लेते हैं हम लोग कि भैया लावा का इरप्शन होता है यहाँ से मान लीजिए लावा निकला तो यार ये ऊपर की लेयर पे लावा आ गया अब आप मुझे बताओ पहले वाला जो रॉक है उसका उसके ऊपर आ गया ना लावा मतलब उसके टेम्परेचर पर फर्क पड़ गया उसके टेम्परेचर पर फर्क पड़ फर्क पड़ गया प्लीज ध्यान से सुनना पहले से एक रॉक था अब ऊपर से लावा निकल के आ गया अब लावा उसके ऊपर पूरा फैल गया तो पूरे नीचे वाले का टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना मतलब टेम्परेचर उसको ज़्यादा लगेगा तो मैं क्या कह रहा हूं आप किसी भी प्रकार के रॉक हो आपके ऊपर पृथ्वी का दबाव लग सकता, लग सकता सकता है है फिर से देखो एक बार जैसे उदाहरण के तौर पे ये अपना रॉक है ठीक है ये ये ऊपर का जो है रॉक हो गया अब यहाँ पेड़ लगा देता तो हूं मैं जल्दी समझ में आ जाएगा अब मैंने कहा कि ज्वालामुखी का उद्गार हुआ ज्वालामुखी के उद्गार से सब लावा फैल गया सर तो ये जो लावा फैला उसने नीचे वाले रॉक के ऊपर क्या करा टेम्परेचर अप्लाई करा टेम्परेचर अप्लाई करा मतलब ये नीचे का रॉक हो गया सर हीटअप हो गया अब जब तापमान जब बढ़ेगा इसका पहले वाले रॉक का पुराने वाले रॉक का जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके अंदर के मिनरल के कंपोजिशन चेंज हो जाएंगे सर केमिस्ट्री बदल जाएगी तो जो भी पुराना रॉक है उसका पूरा रूपांतरण आपको देखने को मिलेगा पूरा सेडिमेंट्री पैटर्न देख मतलब जो भी सेडिमेंट्री था इग्नियस था कुछ भी था पूरा रूप चेंज हो जाएगा मेटामॉर्फिज्म जिसको हम कहते हैं तो मेटामॉर्फिक शब्द जो आया है कांतरिक शब्द आया मेटामॉर्फिक का मतलब होता है चेंज इन फॉर्म अब क्या पहले तो मैं ऐसा था लेकिन जब लावा आया मेरे ऊपर तो यहां लावा आने के बाद जो है सर पूरा मेरा रूप बदल गया कायांतर क्योंकि टेम्परेचर का डायरेक्ट इफेक्ट हुआ तो कोई भी रॉक हो उस पर अर्थ का टेम्परेचर जब आएगा लावा के रूप में आएगा तो कुछ ना कुछ उसका रूप बदल जाएगा भले ही आप किसी भी प्रकार का रॉक हो समझ आ गई बात अब बात हुई टेम्परेचर की अब मान लीजिए प्लेट टेक्टोनिक पैटर्न चल रहा है हमें मालूम है कि अलग अलग प्लेट टेक्टोनिक्स में या पृथ्वी के कोई क्षेत्र जो है कन्वर्ज होते हैं डाइवर्ज होते हैं धरातल दूर होता है तो उसमें भी तो प्रेशर लगता है उसमें भी तो घर्षण होता है उसमें भी तो दबाव लगता है लेट्स इमेजिन कि मान लेते हैं हम लोग फॉर एग्जाम्पल पृथ्वी का ये क्षेत्र है और यहां पर डायवर्जन शुरू हो रहा है पृथ्वी के दो हिस्से में क्रैक आ रहे हैं लेकिन इन क्षेत्रों में आप देखिए ना दबाव तो लगेगा ये भी बड़े कन्वर्ज होंगे अपने आप में प्रेशर लगेगा तो ये भी तो एक प्रेशर हो गया तो दबाव में फिर कई बार ऐसा होता है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रॉक पे जब दबाव पड़ेगा तो फिर कुछ और दिक्कत हो सकती है कोई नई चीज आ सकती है तो कहने का मतलब सिंपल है कोई भी रॉक कोई भी चट्टान यदि उस पर पृथ्वी का तापमान प्रेशर दबाव पड़ेगा तो उसका रूप चेंज हो सकता है यह तो हमारे जीवन में भी यह बात अप्लाई होती है सर कि आप जब इस धरती पे आपका जन्म हुआ है तो तैयार हो जाइए थोड़ा सा दबाव लेने के लिए थोड़ा सा टेम्परेचर लेने के लिए अब टेम्परेचर जो है एग्जाम का भी हो सकता है सबका हो सकता है लेकिन सही बात है मेटामोर्फिक रॉक तभी तो आपको ये सिखाता है है चट्टान तभी तो आपको सिखाती कि जितना जितना दबाव तापमान आप लोगे उतना निखरते जाओगे इमेजिन करिए कोयले को कोयले के बाद आपको डायमंड देखने को मिलेगा सो डायमंड एक मेटामॉर्फिक प्रोसेस है कि उतना टेम्परेचर उतना हीट उसने उतना दबाव जो है झेला है सर तभी उसकी वैल्यू बढ़ी आपको भी अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए एक मेटामोर्फिक रॉक की तरह चेंज इन फॉर्म की जो सिचुएशन है उससे एक बार गुजरना पड़ेगा सिंपल सी कहानी तो रॉक साइकिल जो है हमें यही सारी चीज सिखा रही होती है खैर आगे बढ़ते हैं तो ध्यान से सुनना कि जब वो मेटामो की बात करें तो तुरंत आपको समझ में आना चाहिए या रूपांतरित की बात करें या कायांतरित की बात जब कर रहा हो तो इसका मतलब टू तो चेंज इन फॉर्म या चेंज इन फॉर्म मतलब रूप जो है रूप में बदलाव आ जाना रूप में परिवर्तन आ जाना इस बात को आपको समझना होगा ठीक है और वो रूप में परिवर्तन किससे आ सकता है प्रेशर से आ सकता है ठीक है टेम्परेचर से आ सकता है ओवरऑल वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है आयतन बदल सकता है किस चीज़ का तो उसके कारण ये फर्क आपको देखने को मिलेगा ठीक है समझ आ रही मेरी बात यहाँ तक सबको बोलो कोई दिक्कत हो तो बता देना ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं अब वो कहता है कि मेटामॉर्फिक प्रोसेस जो है ध्यान से सुनना वो ये कहता है कि मेटामॉर्फिक प्रोसेस जो है वो दो तरह से देखी जा सकती है मतलब कोई भी रॉक है तो उस पर रूपांतरण उसका दो प्रकार से हो सकता है एक हो सकता है डायनामिक जी हाँ गतिशील कह सकते हो आप और एक हो सकता है सर थर्मल मेटामोरफिज्म जी हाँ मतलब एक ऊष्मीय रूपांतरण तो दो प्रकार का मेटामोरफिज्म होता है एक डायनेमिक होता है और एक ऊष्मीय या थर्मल कह सकते हो नहीं आता समझ में अब मैं लेकिन अगला पॉइंट लिखूँगा तुरंत क्लिक होने लगे अब यार पृथ्वी का दबाव लग रहा है तापमान लग रहा है कई बार ऐसा भी तो हो जाता है कि सिंपल टूटने फूटने से चट्टान में परिवर्तन आ सकते हैं या कई बार केमिकल या केमिस्ट्री बदलने से जब अंदर जब तापमान पर काम करते हो ना आप तो केमिकल लेवल पर केमिस्ट्री लेवल पर जब चीजें चेंज हो जाती है तो कहने का मतलब क्या हुआ कि थर्मल मेटामोरफिज्म का मतलब आपको समझना है विद केमिकल चेंज रासायनिक बदलाव के साथ ठीक है और ये जो होगा ये होगा विदाउट केमिकल चेंज मतलब उस रॉक में कोई भी आपको केमिकल चेंज देखने को नहीं मिला और इसमें केमिकल चेंज आपको देखने को मिल गया हो सकता है कि कंपेरेटिवली आप मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि डायमंड बन रहा है या ग्रेफाइट की तरफ जा रहा हो एंथ्रेसाइट की तरफ जा रहा हो तो कोयला और डायमंड में काफ़ी अंतर आ जाएगा रूप के साथ सारी चीज़ें ठीक है सो सर प्लीज़ आप बताइए कि वर्ल्ड मैप्स की सीरीज के मैप्स कहाँ से मिलेंगे वर्ल्ड मैप की सीरीज के मैप आपको यही इसी उस इस पर जाओ यूट्यूब पर जाओ पूरी सीरीज मिल जाएगी आप प्लीज़ फोकस करें यहाँ पर ध्यान देना मेटामॉर्फिक रॉक कोई भी रॉक जो है उसमें दो तरीके से चेंज आ सकता है एक डायनामिक गतिशील और एक थर्मल अब कभी कंफ्यूजन हो जाओ कि भाई डायनामिक क्या होता है या गतिशील क्या होता है या नहीं आ रहा है समझ में तो सिंपल सी कहानी समझना किसी रॉक की केमिस्ट्री बदल रही हो किसी रॉक में रासायनिक परिवर्तन आ रहे हो तो उसको हम थर्मल मेटामॉर्फिजम की कैटेगरी में रखेंगे ठीक है और डायनामिक में कुछ नहीं विदाउट केमिकल चेंज आओ जरा देखते हैं एक बार पढ़ के देखते हैं चेक करते हैं क्या पढ़ रहे हैं अपन देखो वो कह रहा है मेटामॉर्फिक का मतलब चेंज इन फॉर्म ठीक है जिसमें प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर पीवीटी चेंजेस आपको देखने को मिले तो ये तो वही वाली में जो आपको अभी बात कही ठीक है अब उसमें क्या बोल रहा है मेटामॉर्फिज्म का मतलब ऑलरेडी कंसोलिडेटेड रॉक्स पहले से जो भी चट्टान है कोई भी हो सकती है खुद ये भी मेटामॉर्फिक भी हो सकती है अंडर गो रीक्रिस्टलाइजेशन फिर से दोबारा रिक्रिस्टलाइजेशन मतलब दोबारा उस पर प्रभाव पड़े ठीक है फिर से रीऑर्गेनाइजेशन हो तो एक नया रॉक बनता है अब ध्यान से समझना कई बार आप लोग देखते हो कि जिसमें सिर्फ ब्रेकिंग और क्रशिंग हो रहा हो टूट के नया कुछ बन रहा हो कोई केमिस्ट्री चेंज नहीं हो रही हो देखो विदाउट एनी केमिकल चेंज हियर इज द कीवर्ड विदाउट एनी केमिकल चेंज कोई भी रसायन अब भाई कोई चीज टूट रही है और सिर्फ घिस गई जुड़ गई उसमें कोई केमिस्ट्री चेंज नहीं हुई उसको उन्होंने क्या बोला डायनामिक मेटामोरफिज ठीक है और मटेरियल ऐसे जिसमें नॉर्मली यदि आप देखोगे कि केमिस्ट्री चेंज हो रही हो दर्मलोर the उसको हम क्या कहेंगे जिसमें हो हो रहा हिंदी हो, एक बार चेक कर लो जरा, देखो बिना किसी विशेष रासायनिक परिवर्तन के टूटने एवं पिसने अब टूटना पिसने में क्या कोई केमिस्ट्री थोड़ी चेंज हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे यांत्रिकी यांत्रिकी मतलब यहां पर आप एक तरह से कह सकते हो कि नॉर्मली डायनामिक जिसको हम वर्ड यूज कर सकते हैं या आप कह सकते हो उसको गतिशील कांत्रिक जिसको हम कह सकते हैं मैकेनिकल स्टेजेस जो आ रही हैं तो एक गतिशील वर्ड वहां पर हम लोगों ने लिखा आगे क्या कह रहा है वो लेकिन इसके बाद यदि रासायनिक परिवर्तन देखोगे तो उसमें क्या होगा उष्मीय रूपांतरण हो जाएगा उष्मीय मतलब इन द सेंस थर्मल मेटामोज तो वही चीज मैंने आपको यहां पर लिख के दी थी यार चेक कर लो एक बार कि विदाउट केमिकल चेंज डायनामिक विद केमिकल चेंज थर्मल यहां तक किसी को दिक्कत देख लो जल्दी से बताओ मेरी क्लास में कॉपी पेस्ट किया आपने बुरा लगे दस बार लग जाए पढ़ाई करने आओ सिर्फ पढ़ो कॉपी पेस्ट जो करेगा बिल्कुल ध्यान नहीं देने वाला हूँ मैं बिल्कुल इस मानसिकता से बाहर निकलाओ सिर्फ पढ़ना है यहाँ पे और मैं अलग से सेशन रख दूंगा आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे बट पढ़ते समय जब मैं पढ़ाऊं तो सिर्फ पढ़ेंगे आप लोग समझ आई मेरी बात मैं अलग से सेशन रख लूंगा आपके दुख दूर करने के लिए ब्लॉक व्लॉक तो नहीं मैं क्या ही मतलब जो है पर आपको खुद भी समझ आना चाहिए कि कोई व्यक्ति जब पढ़ा रहा है तो उसे पढ़ाई लेने देते हैं बाद में कर लेंगे ये काम ठीक है भाई अब मेरी बात ध्यान से सुनना डायनामिक का तो काम खत्म हो गया कि मतलब ऐसा मेटामॉर्फिज्म जिसमें कोई भी चीजें चेंज अब थर्मल मेटामॉर्फिज्म को वो ये कह रहा है कि टेम्परेचर में परिवर्तन कैसे आ सकता है तो वो कह रहा है दो तरीके से आ सकता है टेम्परेचर में परिवर्तन मतलब किसी भी रॉक को यदि आप लोग देखोगे तो टेम्परेचर में परिवर्तन आपको लाना है

ठीक है तो थर्मल दो प्रकार के होते हैं या तो कॉन्टेक्ट से आ जाए सीधा लावा कनेक्ट हो जाए या कई बार प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स होते हैं उसमें फिर क्या होता है घर्षण होता है फ्रिक्शन होता है टेक्टोनिक मूवमेंट्स मतलब पृथ्वी के जो प्लेट्स हैं कि मान लीजिए कोई एक प्लेट कॉन्टिनेंट ओशन की टकरा रही है घिस गई सबडक्ट हो रही तो उसमें फ्रिक्शन फ्रिक्शन क्या करता है घर्षण क्या जनरेट करता है हीट जनरेट करता है तो वो कई बार तो यहां पर वो डायनामिक भी लिख सकता है सॉरी डायनामिक नहीं रहेगा यहाँ पे एक मिनट रीजनल रहेगा रीजनल मतलब प्रादेशिक रीजनल इट मींस दैट कि किसी प्लेट टेक्टोनिक के एरिया में रीजन में ठीक है किसी क्षेत्र में तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना तो देखो पूरा टेबल है और यही सब कुछ है उसमें यही सब कुछ है पूरी एनसीआरटी में मेटामॉर्फिक रॉक्स में बस यही है ध्यान रखना क्या बोला मैंने आपसे मेटामॉर्फिक रॉक डायनामिक दो प्रकार के होते हैं एक डायनामिक होता है विदाउट केमिकल चेंज और एक थर्मल होता है विद केमिकल चेंज अब गर्मी कैसे बढ़ेगी दो तरीकों से या तो वो कॉन्टेक्ट मेटामोरफिज में आ जाए लावा से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाए या फिर या फिर या फिर आप लोग देख रहे हो रीजनल मेटामोरफिज में देखने को मिलेगा टेलीग्राम चैनल कमेंट के ऊपर पिन किया हुआ है जिनको लगे ज्वाइन कर लेना बाकी यहां पर ध्यान देंगे सब लोग इधर देखो आप सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मल मेटामोरफिज देखो थर्मल दो प्रकार का लिख रहा है एक कॉन्टेक्ट मेटामोरफिज्म और एक रीजनल मेटामोरफिज थर्मल जो है दो प्रकार का कह रहा है एक कॉन्टेक्ट कह रहा है और एक रीजनल कह रहा है समझ आ गई भैया बात अब वो आगे देखो क्या कह रहा है कॉन्टेक्ट में, में, में क्या होता है रॉक कम इन कॉन्टेक्ट विद हॉट मैग्मा लावा से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ गया सिंपल है और रीजनल में क्या होता है रिक्रिस्टलाइजेशन ड्यू टू डिफॉर्मेशन कॉज बाय टेक्टोनिक टेक्टोनिक मूवमेंट इज द की फिर वो ज्यादा प्रेशर लगता है फिर टेम्परेचर में चेंज होता है तब फिर उसके कारण भी ये चीज हो सकती है सो so प्लीज इस बात को याद रखना तो जरा क्विकली मुझे आप लोग सब लोग बताएंगे क्विकली मुझे आप लोग सब बताएंगे कि थर्मल मेटामॉर्फिज्म कितने प्रकार का होता है हिंदी मीडियम इधर देख लो संपर्क कायांतरण और प्रादेशिक कायांतरण संपर्क में क्या होता है शैल गर्म ऊपर आते हुए मैग्मा लावा के संपर्क में आ जाता है और उच्च तापमान में काफी बदलाव देखने को मिलेगा और उसमें क्या होता है विवर्तनिक दबाव में प्रेशर कई बार कंडक्ट हो जाता है फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट हो गया तो ये दो चीजें हो गई ठीक है याद हो गया मेटामोरफिक के दो प्रकार किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना मुझे यहां तक <coughs> तो अब याद रखना मेटामॉर्फिक दो चीजों का हो गया एक डायनामिक हो गया जी हाँ और एक हो गया थर्मल थर्मल में कांटेक्ट और एक हो गया अपना रीजनल हिंदी मीडियम गतिशील हो गया संपर्क हो गया संपर्क रूपांतरण और प्रादेशिक रूपांतरण थर्मल में ऊष्मीय रूपांतरण ठीक है विथ केमिकल चेंज केमिकल चेंज के साथ हम करेंगे एंड दिस इज विदाउट केमिकल चेंज लाइक वाइक कर दो वा यार हाँ बैठे तो सौ हो दो सौ तीन सौ कर चुका हूं सर मैं ऑलरेडी चलो भैया जो रिकॉर्डिंग देख रहा हो समझ आ रहा है ध्यान रखना कितने प्रकार का हमने मेटामॉर्फिज्म पढ़ा यहाँ पर तो यदि आप मुझे एक बात बताइए कि प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट चल रहा है और आपस में आकर प्लेट्स में दबाव पड़ गया घर्षण बढ़ गया हीट बढ़ गई तो कौन सा मेटामॉर्फिज्म हुआ वो थर्मल मेटामॉर्फिज्म हुआ कि डायनामिक हुआ और कई बार सिंपल क्रशिंग हो गई रॉक्स की टकरा गए इकट्ठे हो गए टूट गए तो एक नया पैटर्न शुरू हो गया तो उसको क्या कहोगे आप लोग तब क्या बोलोगे आप लोग तो कोई बिना केमिकल चेंज की बात जब करेगा तो ये चीज याद रखेंगे ठीक है अब क्या होता है दो शब्द और याद रखना कभी कभी क्या होता है कि रॉक्स जो हैं अलग अलग लेयर्स में आपको दिखाई देंगे मिनरल्स की अलग अलग लेयर्स अरेंज हो जाते हैं खनिजों की अलग अलग लेयर्स अरेंज हो जाते हैं तो जब खनिजों के इसी मेटामोज की बात कर रहा हूं मैं मेटामॉर्फिक प्रोसेस में इतने दबाव में कई बार खनिज ऐसे बिल्कुल लीनियर अरेंजमेंट आपको ऐसे देखने को मिलेगा ठीक है तो इसको याद रखना इसको फॉलियशन या लिनियशन शब्द कहते हैं हम लोग ध्यान रखना ठीक है फोलिएशन या लिनिएशन वर्ड भी हम लोग इसको कहते हैं हिंदी मीडियम में एक शब्द आपको ऐसे देखने को यहाँ पर भी मिल जाएगा कि नॉर्मली यदि हम लोग देखेंगे तो पत्रण व्यवस्था कहते हैं इसमें क्या होता है खनिजों के जो कण होते हैं खनिज जो होते हैं उनमें रेखांकन रेखांकन मतलब लिनिएशन मतलब ये एक तरह से ये कहना चाह रहा हूं कि कई बार खनिज जो है वो सतह रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं टेड इसमें कोई आपको व्यवस्थित पैटर्न दिखाई दे रहा है क्या अलग अलग मिनरल्स का अलग अलग मिनरल्स का दिखाई दे रहा है क्या नहीं सो दे आर नॉन फॉलिएटेड मतलब अपत्रण हो गया अपत्रित हो गया ये पतरण रॉक तो पतरण हो चाहे वो रेखांकन हो हिंदी मीडियम ये हो गया रेखांकन इंग्लिश मीडियम इसको हम लीनिएशन कह सकते हैं या फॉलिएशन कह सकते हैं सो लीनिएशन फॉलियेशन एक पहचान है कि रॉक मेटामोर्फिक प्रोसेस में जा रहा है इस दौरान इस शन के दौरान इस फोलिएशन के दौरान इस पतरण के दौरान इस रेखांकन के दौरान यदि वो कलरफुल पैटर्न पे आ जा रहा है देखो कलरफुल पैटर्न पे आ रहा है एक अलग अलग कलर के स्ट्रक्चर्स ऐसे दिख रहे हैं तो इसको कहते हैं बेंडिंग ऑफ रॉक्स बेंडिंग बेंडेड रॉक्स कहते हैं इसको हम लोग ठीक है तो देखो आगे क्या बढ़ रहा है वो कि कई बार हल्के व गहरे रंगों में जब दिखाई देती है तो ऐसी संरचनाओं को बेंडिंग कहा जाता है सो so, बेंडिंग हो चाहे लीनियेशन हो फॉलियेशन हो सारे वर्ड्स को याद रखना है दे आर रिलेटेड विद देखो अरेंजमेंट ऑफ मिनरल्स इन इन रॉक्स स्पेशली लेयर्स और लाइंस में जब रहेगा तो उसको हम फॉलिएशन लीनियेशन कहेंगे एंड कई बार लाइट डार्क शेड्स में जब आपको दिख जाता है इनको हम बेंडिंग कहते हैं और बैंडेड रॉक्स कहते हैं सो बेंडिंग एंड बैंडेड रॉक्स लीनिएशन फॉलिएशन इनका सबका संबंध जो है हम लोगों को ध्यान रखना है कि ये फिक रूपांतरित कायांतरित चट्टानों में देखने को मिलेगा आई बात समझ में भैया यहां तक बात तो सर सही कह रहे हो एकदम आप मेरा को तो कंफ्यूजन ही होता था मैं तो पढ़ता इतना कठिन कठिन शब्द लगते थे तो मैं तो घबरा जाता था पैराग्राफ देख देख टेंशन ना लो आराम से पढ़ोगे धीरे धीरे तो सब समझ आएगा हम क्या सोचते हैं एक बार बैठक में बैठा हूं तो इस बार सब सारी चीजें जल्दी जल्दी कंप्लीट कर जाऊंगा नहीं ये ना करें बैठे हो तो एक लाइन समझो पर ठीक से समझो कहना क्या चाह रहा है उसके थॉट को समझो बहुत जरूरी है वो बात ठीक है अंतिम पड़ाव है भैया चैप्टर का एंड दैट इज द रॉक साइकिल रॉक साइकिल में आ जाओ गाइज रॉक साइकिल क्या सिखाता है सिंपल है यार बहुत सिंपल है सबसे पहले याद करिए मैग्मा था लावा लावा जब कठोर हुआ चट्टान मतलब ठंडा होने के बाद इग्नियस रॉक बना अब इस इग्नियस में क्या है या तो तुम टूट जाओ सेडिमेंट्री बन जाओ जी हाँ या मेहनत करके जो है आप मेटामॉर्फिक में चले जाओ सीधी सी कहानी है या मान लो फॉर एग्जाम्पल यदि वो आपसे कहता है कि मैग्मा जो है अच्छा डायरेक्ट पिघल भी सकता है जैसे ओशन क्रस्ट कैसे अंदर चले जाते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स में तो वो डायरेक्ट भी पिघल सकता है तो रॉक साइकिल का मतलब कोई भी रॉक से कहीं भी आदमी पहुंच सकता है सेडिमेंट्री के पास दो ऑप्शन है कि या तो फिर आप जो है थोड़ी मेहनत और कर लो मेटामॉर्फिक बन जाओ या फिर आप डायरेक्ट पिघल जाओ या खुद फिर दोबारा टूटते रहो बेकार है भैया मैं तो टूट गया वैसे वाले हाल है तो सेडिमेंट्री के साथ देखो ना या तो तुम टूटते रहो वापस या फिर टेम्परेचर प्रेशर ले लो एक बार जीवन में बन जाओ वैल्यू बढ़ा लो जी हाँ तो रॉक साइकिल को थोड़ा सा ध्यान रखना है तो इग्नियस रॉक्स कैन बी चेंज इनटू टू मेटामोर्फिक रॉक्स सेडिमेंट्री खुद भी जो है टूट के अपने आप में दोबारा सेडिमेंट्री बन सकते हैं तो ये चीज़ तो आपको सबको पता है मतलब इसको आप रीड भी करोगे तब समझ में आ जाएगा तो चट्टान चक्र मतलब बेसिक कहानी है कि कैसे मैग्मा से जर्नी प्रारंभ होती है और कैसे मैग्मा तक पहुंच जाती है इस बीच वो इग्नियस भी बन जाता है इस बीच वो सेडिमेंट्री भी बन जाता है इस बीच वो मेटामॉर्फिक भी बन जाता है इग्नियस से डायरेक्ट प्रेशर ले लो तो मेटामॉर्फिक बन जाओगे सेडिमेंट्री से डायरेक्ट प्रेशर ले लो तो मेटामॉर्फिक बन जाओगे मेटामॉर्फिक पिघल के भी वापस इग्नियस पे चला जाएगा लेकिन पिघलना पड़ेगा उससे पहले इग्नियस डायरेक्ट पिघल सकता है सेडिमेंट्री भी पिघल सकता है सेडिमेंट्री खुद सेडिमेंट्री में जा सकता है तो ये कहानी आपको समझनी ठीक है भाई यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है चलो बहुत बढ़िया खैर यहां तक आपको रॉक साइकिल अच्छे से समझ आ गई होगी बट क्या है एनसीआरटी ने तो अपना काम कर दिया ज्ञान देने का हमें एग्जाम में मार्क्स भी तो लाने हैं सर ना हमें कुछ एग्जाम्पल्स याद करने पड़ेंगे याद ही करना पड़ेगा अब देखो शाम की सात बजे वाली क्लास हो तो मैं वहाँ पोलिंग से रटवा देता हूँ बट फिर भी एक बार आप लोग जो है कोशिश करें मतलब हो सके तो कि अभी पढ़ लें लेकिन स्पेशल क्लासेस मतलब मेन मेरा जो शाम को सात बजे का स्पेशल क्लास का मेन मकसद होता है चीज़ें याद करना तो अक्सर सात आठ सौ बच्चे लर्नर जो उसमें लाइव आते हैं वो सिर्फ एक ही मोटिव से आते हैं कि चीज़ें याद करनी है तो आपको यदि याद करनी है तो भैया वहां एक बार तो आना पड़ेगा वहां क्या पोलिंग से आप अच्छे से याद कर सकते हैं ठीक है तो वहां भी रॉक्स वगैरह की जब क्लास होंगी तो आपको और क्लैरिटी आपको मिल जाएगी बाय द वे अभी अपन काम की चीज पे आते हैं कि ग्रेनाइट हमारा क्या रॉक है इग्नियस रॉक है आग्ने चट्टान है इस पर जब दबाव लगता है तो नीसिक रॉक बन जाता है सर तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रेनाइट से कौन सी चट्टान बनती है तो सर नीसिक बनेगी तो नीसिक इज अ मेटामोरफिक रॉक तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ग्रेनाइट से क्या कन्वर्जन होता है वो चीज याद रखना क्ले हो चाहे शेल हो ये सब मेटामोर्फिक रॉक कैसे बनेंगे तो सिस्ट में बन जाएंगे ध्यान रहे क्ले शेल पे दबाव लगेगा क्ले शेल एक सेडिमेंट्री अवसादी चट्टाने हैं ठीक है अब इसी क्ले शेल पे यदि हीट लग जाएगा तो वो स्लेट बन जाएगा फिर से हीट लग गया तो फाइलाइट बन गया मतलब क्या स्लेट मेटामॉर्फिक रॉक है फिर हीट लग गई तो मतलब मेटामॉर्फिक भी री रीमेटामॉर्फिज्म में जा सकता है कोयले में हीट दोगे एंथ्रेसाइट बन जाएगा ग्रेफाइट बन जाएगा आगे डायमंड बन जाएगा चूना पत्थर से मार्बल बन जाएगा तो ये जो है मार्बल एग्जाम्पल हो गया हमारे लिए मेटामॉर्फिक रॉक का एंथ्रेसाइट हो गया ग्रेफाइट हो गया मेटामॉर्फिक रॉक का तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ये टेबल को आपको याद करना ही पड़ेगा ठीक है आप कुछ इसमें ना एग्जाम्पल्स याद कर सकते हैं देखो जैसे जैसे मैं ग्रेफाइट कह रहा था मेटामॉर्फिक ये शेल से बनेगा आगे स्लीट बन जाएगा फाइलाइट बन जाएगा ये सब मेटामॉर्फिक रॉक है सिस्ट मेटामॉर्फिक की तरफ आप चले गए शेल जो है वो अपना सेडिमेंट्री बनेगा नीसिक रॉक जो ग्रेनाइट से बना था ये मेटामॉर्फिक रॉक है तो ये स्लाइड्स तो काफी पहचान की होगी आप नए लर्नर्स के अलावा जो पुराने छात्र हैं उनको तो अक्सर पढ़ाया है मैंने सो बेंडिंग क्या होता है लिनिएशन क्या होता है फोलिएशन क्या होता है सम एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म क्या होता है एंड रॉक साइकिल क्या होती है ये मैंने आज चैप्टर आपका कंप्लीट कर दिया सर ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को अब आप छोटी जब कोई भी एन में जाएंगे छोटी क्लास की में तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसमें रॉक्स एंड मिनरल्स वही मैं हम पिछले इग्नियस रॉक ये डिस्कस करा चुका हूँ मैं सेडिमेंट्री भी इसमें आपको मैंने करा दिया था तो इसमें ये रॉक साइकिल दिया हुआ है देखो इग्नियस रॉक टूट के सेडिमेंट सेडिमेंट्री या तो डायरेक्ट वो लावा मैग्मा में चला जाएगा नहीं तो मेटामॉर्फिक भी जा सकता है इग्नियस रॉक भी मेटामॉर्फिक में जा सकता है तो ये बहुत बचपन पहले से सिखा दिया जाता है हमें थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे तो बिल्कुल तो इस चीज को जो है थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना और इसमें देखो वेन द इग्नियस रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर ये मेन चीज़ थी जो हम आज जीवन के रिस्पेक्ट में भी बात कर रहे थे तो वो मेटामॉर्फिक में चला जाता है ठीक है तो ये छोटी क्लास के एन में दिया हुआ लेकिन अब मुझे लगता है एक बार वो स्तर पढ़ने के बाद इनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है तो इनको अवसादी और उसके बाद में जो है अवसादी के बाद बताया इनने ये आगे वाले में कायंतरित अवसादी सेल का निर्माण करते हैं अवसादी सेल कायंत्रित हो जाती है अत्यधिक ताप और दबाव के कारण तो ये रॉक साइकिल हो गया एक बार आप जब भी पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कहीं बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली <coughs> खैर यहां तक कोई दिक्कत आप नए लर्नर हैं तो ये कमेंट के ऊपर जो टेलीग्राम चैनल दिख रहा है देखो आप उसको ज्वाइन कर लेना वहां पर सारी क्लासेस मेरी मिलती रहेंगी आपको ठीक है और बाकी ये पचास परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है अकेडमी के सब्सक्रिप्शन में आप जब भी सब्सक्रिप्शन लें यू कैन यूज द कोड एस नीचे आपको लिंक इसकी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोड मेरा सबको पता है जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें इसका इस्तेमाल जरूर करें ठीक है बाकी आपको Uh, कैसा लगा सेशन वगैरह जरूर बताएं बाद में आके कमेंट सेक्शन में कल से हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे रॉक वाला आज हमारा खत्म हो गया मेटामॉर्फिक पिछली क्लास में इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि इतनी कुछ डिटेल्स फिर रह जाती है हमारी ठीक है चलिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन